था यार, एक आध वीडियो। लेकिन इस बार हमने नेशनल लेवल पर कई प्रांतों में लक्ष्य की स्थापना की है। इसके मना कर रहा है। इस समाज ने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां दी है, ब्रह्मानंद जी को दिया, गुलाब सिंह जी को दिया, महारानी अवंतीबाई को दिया, कल्याण सिंह जी को दिया, उमा भारती जी को दिया, इनकी वजह से समाज की एक पहचान बनी है। और उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं ये मान के चलिए कि आप तो हरे हरे में आंखें खोली हैं, आपने अपने समाज को बहुत बढ़ता हुआ देखा है। दूसरे प्रदेश में जाइए कि लोधी समाज के नाम से एक दूसरे लोग जानते नहीं है। लोधी समाज के लोधी बोलोगे तो वो पहचानते नहीं है। बाबूजी जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे उस समय मेरा एक मित्र था चेतन, गोरखपुर में रेलवे का एक इंटरव्यू था, मैं साथ गया था। वहां कुछ लोग मिले कि ये इंटरव्यू है और कौन लोग हैं, हम लोधी राजपूत। तो वो बोला ये कौन होते हैं, मैं गवाह हूं इस बात का, मैं गवाह हूं। तो पीछे से किसी ने चुटकी ली, ये एससी में आते हैं, माने हमारे वर्ग के मामले में नहीं मालूम, हमारी जाति के मामले में नहीं मालूम, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। आम आदमी की धारणा को बदलने का काम इस सब बीच में हमारे महापुरुषों को क्या ही किया, उमा भारती जी ने, कल्याण सिंह ने ज्यादा नाम रोशन करने का काम किया। लक्ष्य भी उस ओर है। बाबूजी ने एक कविता लिखी थी, लक्ष्य के पाए बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य माने ये लक्ष्य नहीं है जिसके लिए हम लोग यहां बैठे, कोई भी लक्ष्य ले लिया हमने उसकी प्राप्ति करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और आज इसी लक्ष्य के बैनर तले हमने शिक्षा का अभियान लिया और आज उत्तर प्रदेश में तो जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां तो शिक्षा भी बच्चों की फ्री कर दिया। एक अभियान भी चला था, चलो चलो स्कूल की ओर। मेरे बेटे, आपके भतीजे संदीप सिंह जी ने इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, सरकार की योजना से। गांव गांव इस बात को कहा गया, चलो स्कूल की ओर, माने एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं होना चाहिए। और खाली हमारे समाज का नहीं, किसी भी समाज का बच्चा अशिक्षित नहीं होना चाहिए। हमारे समाज की चिंता कौन करेगा, कौन करेगा? लक्ष्य भी करेगा। और लक्ष्य कोई ठेकेदार नहीं है, लक्ष्य के पदाधिकारी कोई ठेकेदार नहीं है। हम सबका नैतिक दायित्व बनता है लक्ष्य के साथ मिलकर हम भी अपना फर्ज अदा करें और समाज का एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं होना चाहिए। अभी पिछले 10 साल पहले तक अपने समाज के लोग आते थे, किसान नौकरी लगवा दो, कितना पढ़ा लिखा, बोले नवीं फेल है या दसवीं फेल है, ग्यारहवीं पास है ज्यादा ज्यादा, इंटर फेल है या इंटर पास है, इंटर भी नहीं, बोले
एक चपरासी लगवा दो, चपरासी सही है। तो क्या हमारे समाज का सोच यहीं तक सीमित रहेगा? चपरासी से ऊपर बढ़ने का हम प्रयास नहीं करेंगे? हम सबको मिलकर उस ओर जाना है। अच्छे अच्छे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, गेस्टेड अफसर हैं, हमको लक्ष्य वो रखना पड़ेगा, तब समाज आगे जाएगा। और एक भी बच्चा अगर अशिक्षित रह गया, ये मान के चलना कि हमने अपने समाज के साथ कहीं न कहीं कंजूसी की है। अपना बच्चे तो दुनिया पढ़ा लेती है, उस गरीब का बच्चा कौन पढ़ाएगा जिसके पास संसाधन नहीं है? उस गरीब के बच्चे को कौन पढ़ाएगा जिनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है? उसके लिए हम जितने भी लोधी समाज के लोग हैं, हम अपने अपने गांव में और शहर में, अपने अपने मोहल्लों में, बाड़ों में ये बीड़ा उठाएं कि हां, हम अपने समाज के किसी भी बच्चे को अशिक्षित नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्य की बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका में हमारा क्या सहयोग है? भूमिका तो इनके ये जाने, अमरपाल जी जाने, इनका काम जाने, जो महामंत्री हैं और जो इसके पदाधिकारी हैं, बघेल साहब हैं, राजकुमार जी, ये जाने, हमसे क्या मतलब है? ये तो एक हमारे लक्ष्य की कमेटी है। सेनापति कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके सैनिक साथ नहीं देंगे। घर का मुखिया कभी भी सफल नहीं हो सकता जब तक उसके परिवार के लोग साथ नहीं देंगे। और इसीलिए लक्ष्य हमारा मुखिया है। हम सिपाही के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, गार्जियंस के रूप में, तन से, मन से, धन से समर्पित भाव से काम करना होगा। जहां तक धन संग्रह की बात है, मैं तो पहले भी कहा था, उस मीटिंग में भी कहा था, अमरपाल जी, एक लक्ष्य निर्धारित करिए हर जिले का। समाज का और समाज के अतिरिक्त जिनको समाज के साथ लगाव है, धन संग्रह करने की व्यवस्था। कोई भी आदमी कब तक खर्च करेगा? लाख दो, 50,000 दो, 20,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, 500 दो, 100 दो, जिसकी जितनी हैसियत है, सरल स्वभाव से बिना दबाव के इस भवन में आहुति देनी चाहिए। मैंने पिछले बार भी कहा था कि एक बच्चा जो बहुत गरीब है या बेटी है, आप मुझे तो, मैं पूरी साल पढ़ाऊंगा उसको, नहीं दे पाए मत दो। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों की संरचना में, काम करने की पद्धति में हमारा सहयोग भी लीजिए, हम तैयार हैं। अभी पुस्तकालयों की बात चल रही है, हम अपने एमपी लैंड से, विधायक अपने एमपी लैंड से देखते हैं कि हम कितना पैसा पुस्तकालय में दे सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख। कहीं भी कोई कोताही नहीं होगी जहां हमारे विधायक हैं, ये हमारे एमपी हैं। या बहुत ऐसे भी लोग हैं जहां एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, लेकिन हमारे मित्र हैं, वो भी सहयोग करने को तैयार हैं। उसके लिए हम करेंगे। जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, किसी के भविष्य के बारे में नहीं पता क्या है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, एमपी तो मैं ही बैठा हूं, आईएएस अमरपाल जी बैठे हैं, दो दो विधायक बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं,
और भी समाज के ऐसे लोग जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोग भी बैठे हैं। हम तो गांव में 10 पैसे की फीस देके प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए हैं, और शायद मैं समझता हूं अमरपाल जी आपके दिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनमें से जितने भी लोग हैं ये प्राइमरी में 10 पैसे महीने की स्कूल में पढ़ के आए होंगे। बोलो बोलो बोलो। और ऐसे स्कूल जहां पर चौमुखी अध्यापक होते थे, चौमुखी चौमुखी आप नहीं समझेंगे, हम तो उस स्कूल में पढ़ के आए, चौमुखी टीचर होते थे। इधर मुंह कर लिया तो पहली क्लास को पढ़ रहे हैं, इधर मुंह कर लिया तो दूसरे को पढ़ा रहे हैं, पीछे कर लिया तो तीसरे को पढ़ा रहे हैं, इधर कर लिया तो चौथे को पढ़ा रहे हैं। माने अध्यापकों की कमी। और आज तो आपका सौभाग्य है, आप बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए, उतनी आर्थिक परेशानियां नहीं है जो पहले थी। 10 पैसे महीने भी पैदा नहीं होते थे मंथली फीस देने के लिए। आज तो बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप लोग, गरीब बच्चों के परिवार के लोग भी, उनके मां बाप भी, उनके रिश्तेदार वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रबंध करते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, मेधावी छात्र है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम लोगों को करनी चाहिए। हमें क्या मालूम कि मैं एमपी बनूंगा, ये एमएलए बनेंगे, वो आईएएस बनेंगे, वो जिला पंचायत बनेंगे, ये बहुत अपने समाज का नेतृत्व करेंगे, और आप लोग आप में कोई बीए होंगे, कोई एमएससी होंगे, कोई बीएससी होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, कोई और होंगे, कोई व्यवसायी होंगे। जब हम गांव में 10 पैसे की फीस पढ़कर अभावों में एमएलए एमपी बन सकते हैं, बाबूजी कल्याण सिंह तो 2 बार मुख्यमंत्री गवर्नर रहे, उमा भारती जी वैसे नहीं, किसी का पता नहीं किसके नसीब में क्या है। और जो छात्र छात्राएं मेधावी, आपके भविष्य में भी नहीं पता कि किसके में क्या लिखा है। अब मैं बहुत एमपी बैठे होंगे, बहुत एमएलए बैठे होंगे, कोई मंत्री बैठा होगा, कोई साइंटिस्ट बैठा होगा, कोई डॉक्टर बैठा होगा, कोई राष्ट्रपति बैठा होगा, कोई प्रधानमंत्री बैठा होगा, नहीं पता, भविष्य के बारे में नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं पढ़ लिखने के बाद अगर कुछ भी ना मिले तब भी बिना पढ़े लिखे से अपना जीवन यापन अच्छा रख सकते हो। तो क्या इस ओर हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और जो समाज के नेता बनते हैं, जो ठेकेदार बनते हैं, जो एक दूसरे के पैर खिंचाई का काम करते हैं, अभी जैसे हमारे विधायक जी कह रहे थे सीपी सिंह जी, पैर खिंचाई का काम बहुत अच्छा जानते हैं, इसको और ज्यादा करो, लेकिन अपनों के नहीं, अपनों के मत खींचो, औरों को खींचो, आगे निकलना सीखो। अरे ये तो 2 बार से विधायक है यार, इसको हराओ, हरा के किसको लाओगे भैया, तुम किसको लाओगे। और किसी समाज से चिढ़ करना ये छोड़ दो, अगर उससे आगे निकलना है तो उससे भी लंबी लाइन खींचना सीखो, लंबी रेखा खींचो, अपने आप दूसरा पीछे हो जाएगा। और हमारे समाज में किसी के साथ कोई प्रतिद्वंदता नहीं रखता, सीधा समाज, चांद जैसा चला लो कोई। और एक चीज और, उसे बदलने के प्रयास करिए, आज इस माध्यम से ग्राम मंच के लक्ष्य के माध्यम से अच्छा भी उन्होंने कह दिया तो कह दिया, नफा नुकसान देखा जाएगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये समाज की एक पहचान है कि जो कह दिया तो ठीक है ओके,
लेकिन कहना भी सोच समझ के सीखो। अगर कहते मैंने तो कह दिया लेकिन गलत कह दिया, क्या मतलब हुआ उसका भी? और समाज आज भी इकट्ठा है, इतना इकट्ठा समाज आपको नहीं मिलेगा कहीं किसी और में। लेकिन जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको भी हम लोग दूर करेंगे, बैठेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने यहां तक आने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। नमस्कार।